मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। एक बार क्रॉस चेक करता हूँ। ओ भाई, अरे रे रे रे, व्हाट? अरे तीन तीन लग गए मेरे पीछे। ना निकलो निकलो निकलो, मैं बहस नहीं करने वाला तुमसे। यस, ये रही वो स्टन करने वाली चिड़िया। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई। हेलो, स्वागत है आप सभी का सब ओवली वॉल्फ के एक और नए मजेदार एपिसोड में। तो हम वापस से आ चुके हैं और आज हम खेल रहे हैं 100 डेज, काफी ज्यादा दिनों बाद। और सच बता रहा हूँ भाई, बहुत सारे काम पेंडिंग है जो अपने को निपटाना है। बट उसके साथ में आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। होप 2023 भी हमारा काफी ज्यादा बढ़िया जाएगा। जो टारगेट्स, जो गोल, जो अचीवमेंट 2022 की रह गई थी, होप उसे हम 2023 में कंप्लीट कर पाएंगे। और साथ ही साथ मैंने इंस्टाग्राम पर अपना सेटअप टूर वीडियो अपलोड किया हूँ। अगर किसी को सेटअप टूर देखना है तो इंस्टाग्राम पर जाकर देख सकता है, नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। और अगर फॉलो नहीं किया तो फॉलो भी जरूर कर लेना। ऑलराइट, तो हम अपने आइलैंड आ चुके हैं और लास्ट एपिसोड में हमने जितना प्रोग्रेस किया था, हर एक चीज़ वैसी है। बस अभी कुछ देर पहले मैंने ये सोल टर्मिनल को अंदर से लेकर यहाँ पर बाहर लगा दिया हूँ। यहाँ पर अंदर बस अभी अपने को कुछ क्रिस्टल्स रखने, मतलब सोल बॉल्स रखने हैं। और ये तीनों की भी मीटिंग मैंने ऑन कर दिया हूँ। और एक चीज़ लास्ट एपिसोड में हुआ ये था कि जो 466 लेवल का मेगाथीरियम था, ये हमसे केव के अंदर ही छूट गया था, मतलब गलती से छूट गया था, हम मर गए थे। और वो थी लावा वाली केव, और मेरे को ऐसे लग रहा था हमने शायद इसे खो दिया। बट जब मैं दोबारा से आर्टिफैक्ट लाने के लिए गया तो अपने को ये वहाँ पर मिल गया। तो भाई साहब, अगर ये मर जाता ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती, क्योंकि बाकी के जो दो है वो इतने ज़्यादा मजबूत है नहीं। अब चलते जा करना, पहले तो मैं क्रिस्टल देखता हूँ मेरे पास में कुछ क्रिस्टल वगैरह वो पड़ा हुआ है या नहीं है। मेरे को नहीं लगता क्रिस्टल होगा, जाकर अपने को लेकर आना पड़ेगा। अगर यहाँ पर मिल जाए तो बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। हेलो, क्या हो गया? कोई तो चिल्लाया ना भाई अभी बहुत जोर से। तुम्हारा टट्टण है ऑन तो है, बस यहाँ पर मेरे को इसमें सोल्स रखने हैं। मेरे पास में क्रिस्टल यहाँ पर मतलब 4 सोल बॉल है ना, तो चलो फिलहाल के लिए ये रख देता हूँ। और जाकर ना मैं काम करता हूँ, क्रिस्टल लेके आता हूँ। अपने को अभी पंप्स भी बनाना है, पंप का काम ही रह गया भाई। पंप अपने को पहले मेटल वाला बनाना है, क्रिस्टल वाला बनाना है, और ऑयल वाला भी बना कर रख लेंगे। ऑयल इतना ज़्यादा लगता नहीं है ये आइलैंड मैप में, बट चल जाएगा, ऑयल वाला भी बना लेंगे। क्योंकि ऑयल से फिर हम बनाते हैं गैसोलीन। अभी एक काम करता हूँ, मैं ना बैठता हूँ अपने टेरानोडॉन पर और जाते पहाड़ी पर से ना थोड़ा सा क्रिस्टल लेके आते, क्योंकि अपने घर में तो क्रिस्टल है नहीं। और क्या तुमने अभी तक लाइक किया? नहीं किया तो भाई फटाक से लाइक का बटन दबा दो, और सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाक से सब्सक्राइब का भी बटन दबा दो, क्योंकि बहुत जल्द हमारे 3.5 लाख सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, फिर 4 लाख, फिर 5 लाख, मतलब ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। तो तुम बस सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? इंतजार नहीं करना किसी का भी, तुम सब्सक्राइब कर दो। यहाँ पर मेटल भी दिख रहा है और साथ ही साथ अपना लेवल अप भी हो गया। अभी जो अपनी लेवल है, वैसे हम 104 पर कब आए? यही होता है गाइज जब किसी भी गेम का एपिसोड बहुत दिनों बाद अपलोड होता है तो खुद का ही प्रोग्रेस भूल जाते भाई। मैंने पिछली बार यहीं से बहुत सारा क्रिस्टल उठाया था। इधर मेटल भी बहुत ज़्यादा है, अगर अपने को और लगेगा तो मेटल भी ले लेंगे। वैसे अपने टेरानोडॉन का लेवल अप हुआ है ना, इसकी मूवमेंट स्पीड बढ़ाता हूँ, क्योंकि ये अपने ट्रैवलिंग के काम में आने वाला है। इसको लेकर हम बस ट्रैवल ही करेंगे, फाइट नहीं करने वाले किसी से भी। बट एक चीज तो है कि आइलैंड मैप खेलने के बाद भाई पुरानी यादें ताजा हो जाती है। वो भी क्या दिन थे जहां हम रोज आइलैंड मैप खेला करते थे और डेली एकदम मजेदार मजेदार चीजें होती थी हमारे साथ में। भाई यार, क्रिस्टल कहाँ चले गए? एक भी क्रिस्टल नहीं मिल रहा है यहाँ पर। दूसरी वाली पहाड़ी पर जाना पड़ेगा अपने को। एक काम कर दो, पहले ना मैं ऑसम स्पाई ग्लास ऑन कर लेता हूँ, क्योंकि नीचे कौन से जीव जंतु है ना मेरे को दिख नहीं रहे। रुक जाओ, एक काम करते हैं, वो जो बड़ा वाला पहाड़ है ना, वो पहाड़ से ही हम जाकर थोड़े बहुत क्रिस्टल लेके आ जाएंगे। और हम ना बच्चों वाली बॉस फाइट नहीं करने वाले, मतलब जो खतरनाक वाली और जो अल्फा वाली बॉस फाइट है ना वही निपटाएंगे, क्योंकि बच्चों वाली बॉस फाइट में ना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा रिसोर्सेज जमा करने के लिए। तो जो खतरनाक वाले और जो फाइनल बॉसेज होंगे ना अल्फा वाले, जैसे कि मकड़ी हो गई अल्फा बॉस, ड्रैगन अल्फा हो गया और बंदर अल्फा, मतलब ये तीनों के जो अल्फा होंगे वही करने वाले हैं बॉस फाइट, क्योंकि दूसरी वाली फाइट में ना इतना मजा नहीं आएगा। और यहाँ पर है क्रिस्टल, हाँ टेक वाली बॉस फाइट भी अपने को करनी है। चलो फटाक से ले लेते हैं यहाँ से बहुत सारा क्रिस्टल भाई साहब, टूट जाना भाई। इधर रैप्टर होते हैं बहुत सारे, बट अभी रैप्टर दिख नहीं रहे। कितना क्रिस्टल मिला अपने को? 300 क्रिस्टल मिल गया ना, थोड़े से और ले लेता हूँ ताकि मैं सोल बॉल बना सकूँ आराम से। ये भी टूट गए क्या? हाँ चलो हो गया। इधर साइड के भी क्रिस्टल उठा लेता हूँ। ये वैसे हमला नहीं करते ना? हाँ, ये इतना ज़्यादा हमला नहीं करते। और मैंने आज तक उनको टेम किया भी नहीं, पता नहीं वो अपने क्या काम में आएंगे। कभी टेम करेंगे जब सीरीज एंड होने आएगी। व्हाट व्हाट भाई, हेलो, क्या हो गया अभी? ये मारते हैं नज़दीक जाने के बाद। ओके,
वैसे हमने ऐसे ही निपटा दे। ओ भाई इधर भी अपने को और क्रिस्टल मिल गए, जितना भी क्रिस्टल ना पूरा का पूरा निपटा दूंगा मैं, सारी की सारी चीजें निपटा दूंगा। चलो हो गया अपना काम, इतना क्रिस्टल काफी होगा अपने लिए। आइलैंड मैप की एक एक चीज ना भाई याद हो गई है, मतलब मेरे को किसी भी चीज का वेट नहीं करना पड़ रहा। पहले मैं 10 बार सोचता था कहीं घूमने जाने के लिए, बट अब मेरे को ना सारी चीजें पता है कि कौन सी चीज कहाँ पर है, हर एक चीज ना याद हो गई है। क्या इसके अंदर कोई अभी आया है या नहीं? अभी तो कोई नहीं आया। एडवांस सर्च या फिर नहीं, इसमें नहीं करना अपने को। मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ कि मैंने सारी चीज़ें बिल्कुल सही कर दिया हूँ ना, मतलब ऑप्शंस के अंदर न्यू बॉर्न बेबी जो है वो सब ऑटो ट्रैप होंगे, ये तो ऑन हो गया, और ऑटोमेशन के अंदर फर्टिलाइज एग इंक्यूबेशन और एग कलेक्शन, ये दोनों चीज़ें हो गई। इनकी आर्मी बनती रहेगी बढ़िया वाले। अगर अपने को रैक्स मिल गए ना तो रैक्स भी हम ढूंढ कर लेके आ जाएंगे। अब इसके बनाते हैं फटाक से सोल बॉल। अभी के लिए बस मैं 30 सोल बॉल बनाता हूँ, 30 सफिशेंट होंगे, और ये 30 बना कर रख देते हैं। और जस्ट अभी मेरे को ना एक सेकंड पहले सोल की आवाज़ आई, क्या इसके अंदर? यस भाई साहब 15,000 इसकी हेल्थ है। और रुक जाओ, इसको ना बाहर निकालते हैं हम, ये अभी छोटा है ना, ये आ गया दुनिया में, इसको निकाल करना। मैं इसको भी यहाँ पर खड़े कर देता हूँ, और इसको भी मैं ग्रो अप पेस्ट खिला देता हूँ ताकि इसकी इम्प्रिंटिंग 100 हो जाए और ये भी फुल मजबूत हो जाए। सारों की मेटिंग ऑन हो जाएगी तो बहुत ज़्यादा स्पीड से आर्मी बनेगी और पावरफुल आर्मी भी बनेगी। अभी लेवल अप अभी नहीं करूँगा, लेवल अप हम किसी और एपिसोड में करेंगे। और जो बचा हुआ क्रिस्टल है उसको मैं रख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। और इसके साथ में ना नहीं, सिलिका पल वगैरह के लिए मैंने अलग सेक्शन बनाया था ना, तो यहाँ पर एक काम करता हूँ, यहाँ पर काइटीन, ये थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स जो अभी हमने पैरासोर को मार कर लिया, वायर, जितनी भी एंटिक चीज़ें होगी ना वो सारी इधर रखेंगे। ऑयल भी रख देता हूँ, ऑयल अभी अपने कुछ भी काम में नहीं आने वाला। और जो वेपन्स वगैरह है जो अपने पास में एक्स्ट्रा में पड़े हुए हैं और जो काम में भी नहीं आ रहे, तो वो सारे के सारे ना इधर रख देंगे। वैसे बॉस फाइट के लिए ये आम अपने काम में आने वाला है, अपने को पहले ही मिल गया हो। भाई गीगा का दिल भी पड़ा है मेरे पास। तो बॉस फाइट के सामान वाली चीजें कहाँ रखूँ? इसको मैं एक काम करता हूँ, इसके लिए ना एक रैक बनाता हूँ, मतलब एक स्टोरेज बॉक्स बनाता हूँ, उसके अंदर सारा सामान रखूंगा जो हम बॉस फाइट के लिए लेके जाएंगे। तो ये एस प्लस वाला ना सिर्फ एक बनाता हूँ अभी के लिए, सारा का सारा सामान तो है मेरे पास। और ये वाला स्टोरेज बॉक्स एक काम करता हूँ इधर से चिपका कर लगा देता हूँ, ये सफिशेंट है। जो भी बॉस फाइट का सामान होगा, जो भी हमें मिलेगा एंटिक और यूनिक चीज़ें, वो सारी इधर रख देंगे ताकि अपने को बाद में ढूंढने के लिए ना मतलब प्रॉब्लम ना आए। और अभी ये लोग का खाना भी मेरे पास में पड़ा हुआ है ना, रुक जाओ एक काम करता हूँ, फीडिंग थ्रू नहीं बनाया मैंने इनका। ए लियू ये खाना कैसे खा रहे हैं फिर? पैरासोर की तो मेरे बैंड बज गई भाई पूरी की पूरी। वैसे ये इसका डिजाइन है, हेल्थ तो इसकी फूल है भाई, ये इसका डिजाइन है, ऐसे लग रहा पूरा खूनम खून हो गया। और 12 लेवल अप भी हो गया इसका, फीडिंग थ्रू भी बना ले तो पटाक से। तो अपने को लगेगा एक काम करते, 2 फीडिंग थ्रू बना लेंगे, एक में वैसे काम हो जाएगा और अपने को लगेगा नहीं, एक सफिशियंट है। एक फीडिंग थ्रू बनाएंगे, उसको ना इधर चिपका के लगा देता हूँ, और जितना भी वेज नॉनवेज खाना है वो सारा इधर रख दूंगा, देखना कितनी स्पीड से खाते जाएंगे। भूखे भाई, कितने टाइम से भूखे, देख रहे हो ये मीट कैसे खत्म हो रहा है, कितने ज्यादा भूखे थे। सॉरी सॉरी मेरे बच्चे लोग, सॉरी। सारा खाना इधर रख देता हूँ मैं। बेरीज खाओ, फुल बेरीज खाओ, जितना मीट खा सकते हो खाओ, ये तो खाना थोड़ी देर के अंदर ही खत्म हो जाएगा। क्या हो गया भाई साहब? एक और सोल की आवाज आई है, यस एक और आ गया भाई। इसकी भी 15,000 हेल्थ है, 378 इसकी लेवल है, बहुत सही। और इंटेंस म्यूजिक क्यों स्टार्ट हो गई? क्या किसी की फाइट हुई है? है जी, क्या किसी की फाइट हुई है? क्या हुआ अभी? हेल्यू, ओ ओ ओ, ये मेगलोडॉन, रुक जा, इसको जब उसने मार भी दिया है तब वो कर लेते ना। अरे भाई मेरी मेगलोडॉन कहाँ है? व्हाट, मेरी मेगलोडॉन कहाँ गई? अरे यार मैंने इन सबको न्यूट्रल कर रखा हूँ ना, या फिर पैसिव है। सब न्यूट्रल हो जाओ भाई, सारे न्यूट्रल हो जाओ। यार मैं अब इसको ढूंढू कहाँ पर? अगर इधर जाऊंगा मैं तो ये अपने को मारेगी ना, या फिर नहीं? अभी तो नहीं मार रही है ना, ही रेड रेड हो रही है। मेरी मेगलोडॉन को ही मैंने लूट लिया क्या मार कर? रुक जाओ इधर साइड में जाकर देखते हो कहाँ चले गई मेरी मेगलोडॉन। अरे भाई मर तो नहीं गई? ये तो मेरे को एडिटिंग के टाइम में समझ में आएगा मेगलोडॉन बची है या मर गई। एक ही तो जानवर था जिसको मैं पानी के अंदर वो कर। अरे नहीं यार मेरी ये भी मार दिया इसने, डॉल्फिन। शिट शिट यार,
ये क्या बात हुई भाई। और मैंने जिसको अभी मार कर लूटा, मतलब जिसको फिनिश किया मैंने, जो मेगलोडॉन को, क्या वो हमारी ही मेगलोडॉन थी? उसका बैग चेक करना पड़ेगा। अगर बैग मिला उसका हमें, तो समझ लो वो हमारी मेगलोडॉन थी जिसको हमने मार कर लूट लिया। और कुछ है? और तो नहीं, या फिर ये अंडरग्राउंड में ही गई होगी भाई। अंडरग्राउंड में गई होगी, गारंटी अंडरग्राउंड में गई होगी, या फिर मर गई है वो और उसका काम हो गया। दोनों भी वाटर के डायनोज अपने जो थे वो मर गए। इसकी लेवल कितनी थी वैसे? 340 लेवल। सामने जो है वो 32 ही लेवल की, कमजोर है। ये 340 वाली ने अपना काम कर दिया भाई। नुकसान होना हमारा जरूरी है भाई, नुकसान होना ना हमारा जरूरी है। यार अब कुछ नहीं कर सकते, छोड़ो। तुम लोग खाना खा रहे हो ना बढ़िया तरीके से। 1900 पे खाना रखा था, 1600 पे आ गए भाई। खैर कोई ना, मेगलोडॉन के तीत भी लगते हैं अपने को बॉस फाइट के लिए, तो इसको भी इधर रख देते हैं। सैडल वगैरह जो है वो अलग कर देंगे। मछली है, मछली हम खाएंगे भाई, मछली को हम खाएंगे। इसके अंदर रख देता हूँ मैं थोड़ा सा खाना। इधर ऑलरेडी बहुत सारा खाना है ना, ये ले मेरे को, मेगलोडॉन का खाना बना के दे। चल कुल पेट भर के खाना खाऊंगा मैं एकदम आराम से। अब जो फालतू का सामान है ना पहले सॉर्ट करता हूँ। सारे सीड्स वगैरह ना ये मैं पूरे फेंक दे रहा हूँ, ये मेरे काम में नहीं आने वाले। ये खराब भी होते रहेगी तो टेंशन नहीं है, और नहीं भी खराब होगी तो भी टेंशन नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पर ना बैक साइड में ये बना दिया हूँ। इसके अंदर बस खाना रख दो, ये पूरा का पूरा ख़राब करके दे देगा। मतलब कुछ ही देर लगेगी और ये पूरा खाना ख़राब कर देगा, और इसे स्पॉइल्ड मीट में मतलब कन्वर्ट कर देगा, जो अपने को नार्को बेरी स्ट्रेंथ एरोस वगैरह वो बनाने के काम में आएगी। अब यहाँ पर अपना प्रोसेस चल रहा है बहुत सही। एक बेबी यहाँ पर आ चुका है। बाकी क्रिस्टल नहीं रखा ना मैंने यहाँ पर बना कर, ये पूरे के पूरे क्रिस्टल रख देता हूँ इधर साइड में। मेरी चिड़िया तू इधर आ जा, तेरा एक और लेवल अप हुआ है, तो रुक जा एक काम करता हूँ, तेरा स्टेमिना बढ़ाता हूँ मैं। तेरा स्टेमिना भी तो लगेगा अपने को, और ये अभी तक बड़ा नहीं हुआ ना, इसको अपने को ग्रोथ पेस्ट खिलाना है, और ग्रोथ पेस्ट खिला करना थोड़ा सा एक्सपी पोशन खिलाएंगे। जितने भी अपने डायनोज है, मतलब जो भी मेगाथेरियम अपने पास में है, हर किसी का लेवल अप अपने को करना है, वो भी खतरनाक वाला, ताकि बॉस को ना ऐसे चुटकियों में हम फिनिश कर दे। किसी को नहीं छोड़ना भाई, किसी को नहीं छोड़ना। अगर मेरे को सारा सामान जल्दी जल्दी मिल जाएगा ना, तो मैं एक कोशिश करूंगा एक ही फाइट में बंदर को भी, ड्रैगन को भी, और साथ ही साथ मकड़ी को भी एक ही एपिसोड में ख़त्म कर दूँ। और एक चीज़ तो देखने भूल गए भाई, जब से हम आए कि अभी डे कौन से चल रहा है, डे 9 ही है अभी। डे 9 पे हमने अच्छा खासा प्रोग्रेस कर लिया, मेरे को तो ऐसा लग रहा है ना 20-25 दिन के अंदर ही ये 100 डेज की सीरीज हम ख़त्म कर देंगे, ऐसा फील आ रहा है मेरे को। क्योंकि जिस हिसाब से हम प्रोग्रेस कर रहे हैं हर एपिसोड में, उतना ज़्यादा तो नहीं, बट अच्छे से और अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं, अच्छे से थोड़ा सा ज्यादा। मेरे पास में थोड़ा सा मेटल पड़ा हुआ है, तो मैं ना एक ग्रोअप पेस्ट बनाता हूँ, और बनाता हूँ एक एक्सपी पोशन जो बड़ा वाला है। एक काम करता हूँ, 2-3 बना लेता हूँ, लगेगा तो अपने को एक ही, बट 2-3 बना लेते हैं। और इसको ना मैं फटाक से खिलाता हूँ, और सीधा ले जाएंगे इसको तबाही मचाने के लिए, मतलब दौड़ाएंगे खूब खतरनाक और फुल बीस्ट बना देंगे। भाई साहब तुम्हारे पास सैडल है? इनमें से किसी के पास सैडल है क्या? हाँ इनके पास है सैडल, तो तुम अपना मुझे सैडल दोगे? दोगे क्या? देना ही पड़ेगा, नहीं तो दांत तोड़ दूंगा तेरा मैं। ये लो तुम सैडल पहनो, मुझे अपने आप पर बिठाओ और इधर साइड में आओ, ठीक है? अब मैं तुम्हें खिलाता हूँ एक एक्सपी पोशन, ठीक है? एक्सपी पोशन खिला दिया, इसका लेवल अप हो गया। पहले तो 35,000 हर एक डायनो की अपने को हेल्थ 2,00,000 रखनी है, क्योंकि न्यू वाले मैप में ना हमने 2,00,000 के आसपास में हेल्थ रखी, और ड्रैगन को बहुत ज़्यादा इजीली मार दिया भाई, बहुत ज़्यादा इजीली मार दिया। चल निकल, चल निकल, फुल लेवल अप करूँगा मैं। इधर से काइटिन वगैरह दे दे भाई साहब, दे 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 दे। ओह अपने को बूस्ट मिल गया, एक बूस्ट मिल गया अपने को। कछुए को ना पानी के अंदर जाके देता हूँ, मैं तो भूल गया इंसेक्ट्स को मारने के बाद अपने को बूस्ट मिलता है। अरे चल निकल, क्या डैमेज देगा तू, निकल चल। इंसेक्ट्स को मारने के बाद अपने को बूस्ट मिलता है, मैं भूल गया था। अपना मेगाथेरियम तो फुल धो डालेगा अब सबको। अभी कितना लेवल अप हुआ है इसका भाई? 17 लेवल अप हो गया है। बारी बारी अपने को निपटाना पड़ेगा, इंसेक्ट्स को मारना है, उसके बाद में जाकर ना ये लोग को तोड़ेंगे। निकलो, चलो निकलो मेरी प्यारी डोडो, तू भी निकल। 1,000 का डैमेज दे रहे अभी, सीधा एक ही टाइम में ना हम एक साथ लेवल अप करेंगे, बीच में इंतजार नहीं करना, मतलब बीच बीच में लेवल अप नहीं करेंगे, एक ही टाइम में ना पूरों को निपटा देंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे हम। हट जावे, चल निकल, चल निकल। ओ भाई 500 लेवल है इसकी, 500 लेवल है। चलो तुम भी निकलो, तुम भी निकलो। कछुए का ना डैमेज ही नहीं लग रहा अपने को, कछुए का कुछ भी डैमेज नहीं लग रहा है, क्योंकि हम पत्थर के ऊपर आ गए थे। पर ना 5 लेवल का ना भाई बहुत गंदा डैमेज देता है।
हटो तुम भी निकलो, चलो निकलो पटाक से भाग जाओ, कोई नहीं दिखेगा मेरे सामने। ये कछुए की लेवल कितनी है? वैसे कछुए को नहीं छेड़ेंगे हम तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि अपना मेगा तेरे अभी फिलहाल में उतना भी ज्यादा मजबूत नहीं है। अभी कितना 51 लेवल अप हो गया इसका। तो पटाक से एक काम करता हूँ, इसकी मैं कर देता हूँ 200,000 हेल्थ, 5,000 कर देता हूँ इसका स्टेमिना, ठीक है 5,000 नीड होगा, चलो 4,000 रख देते हैं, या फिर 30 पॉइंट्स हम डालेंगे इसके अंदर। और अभी इसमें से 20 पॉइंट डालूंगा मैं मिली डैमेज में, ठीक है 20 पॉइंट सीधा डालेंगे हम मिली डैमेज में, या फिर चलो 25 पॉइंट डाल देते हैं मिली डैमेज में, और बचे हुए 5 पॉइंट से ना हम मूवमेंट स्पीड रखेंगे ताकि भाग सके। भाई लेवल अप करने तक तो फुल अंधेरा हो गया यहाँ पर, फुल अंधेरा हो गया। मैं एक काम करता हूँ, हीलिंग पेस्ट खिला करना, इसको फुल रिस्टोर कर लेता हूँ। अभी किसका लेवल अप हुआ? अभी तो नहीं हुआ होगा किसी का भी लेवल अप। इतना सारा फाइबर बेरीज नार्को बेरीज सारी की सारी चीज़ें आ गई अपने पास। ट्राइक को जाकर देते, ट्राइक अपना कुछ कर पाएगा 280 लेवल का, एक ही फटके में जाएगा बता रहा हूँ मैं, 8,000 का डैमेज होगा क्योंकि अपना एक फटके में जाएगा भाई, हल्के में नहीं लेने का अपने को। चल निकल ले तू भी सेल्वन भाई, चलो निकलो चलो निकलो। हाँ फिर आना, आ जा इधर आ इधर आ। है और कोई? है कोई बताओ मेरे को, है कोई और तो बताओ। पिराना आ रही है मारने के लिए, आ जा इधर इधर को आ इधर को आ। मछली भी हो ना तो पानी में डुबो के मारूंगा, दिमाग नहीं खराब करने का मेरा। वैसे क्या मेरे पास में टॉर्च है? ये टॉर्च है, सामान को पहले ना मूव कर देता हूँ, टॉर्च को रखते हैं इधर साइड में, और अभी के लिए ना चलते हैं हम घर, क्योंकि सुबह होने का वेट करेंगे, उसके बाद में ही आगे जाएंगे और जाकर चेक करेंगे कि अपने को बंदर वाली बॉस फाइट और ड्रैगन वाली, मतलब जाकर पहले चेक करेंगे मकड़ी वाली बॉस फाइट के लिए अपने को क्या चीज़ें लगने वाली। नीचे नहीं बैठना भाई, नीचे नहीं बैठना, मैं बता रहा हूँ तेरे को, चिड़िया ना तो तेरी बैंड बच जाएगी बहुत गंदी वाली। एक और लेवल अप हो गया है, रुक जाओ 7 लेवल अप और हो गया भाई, रुक जाओ। तो मैं पूरा का पूरा इसका मिली डैमेज बढ़ाऊंगा और एक बढ़ाऊंगा इसकी मूवमेंट स्पीड। 200,000 तो हमने इसकी हेल्थ कर ली, तो टेंशन नहीं। अभी 7,500 का डैमेज दे रहे हैं, वेरी नाइस, अच्छा खासा डैमेज दे रहे हैं भाई। अभी इसको भी ना जाकर वही लाइन में खड़े कर देता हूँ मैं। वैसे अभी इसकी लेवल हुई कितनी है? 399 लेवल हुई है इसकी, बट फिर भी अपने जो 466 लेवल वाला उससे तो कम ही है। चलो इसको भी खड़े कर देते इधर, सारे मिलके ना खतरनाक आर्मी बनाओ, हम इजीली किसी को भी हरा देंगे, ठीक है। 3 रेडी हो गए भाई इधर, इसकी लेवल है 378, इसकी लेवल है 398, इसकी लेवल है 274, ये थोड़ा सा कमजोर वाला है बट चलता है, अपने को ज्यादा मेगा इथेरियम चाहिए। तो फिलहाल के लिए गुड नाइट। और क्या मेरा लेवल अप हो गया है? मैं तो ऑलरेडी 104 पर हूँ। एक काम करते रुको, फिर मिली डैमेज बढ़ा लेंगे हम अपना। 105 लेवल के हो चुके हैं, और 105 लेवल पर क्या अनलॉक हुआ है? टेक रैम्प, टेक फाउंडेशन, इतना टेक लाउका से, टेक वाला पंप भी बनाएंगे हम इस बार, ताकि पूरे अपने आप को ना टेक का बनाएंगे, उसके बाद में टेक वाली बॉस फाइट करने के लिए जाएंगे। वो टेक यूज करेगा तो हम भी टेक वाले बन के आएंगे फिर। और कितनी सारी चीजें भाई अनलॉक हो चुकी है, कितनी सारी चीजें। अभी तो हमने अपने लिए मजबूत वाला आर्मर भी नहीं बनाया है। हाँ केमिस्ट्री बेंच लगेगी, वो अनलॉक कर लेता हूँ, क्योंकि मोर्टार एंड पेस्टल पे अभी हम काम कर रहे हैं। अपने को बस बढ़िया वाला हाई लेवल का रैक्स मिल जाए भाई, मस्त काम हो जाएगा। रैक्स से ना बंदरों को हम एकदम इजीली फोड़ देंगे। और क्या सुबह हो चुकी है ना, और जाकर ना थोड़ा सा इंतजार ही करना पड़ेगा। ओके तो हो चुकी है प्यारी सी सुबह, अब चलते हैं फटाक से अपने फ्लाइंग डायनो के ऊपर बैठकर, और जाकर चेक करते कि अपने को क्या क्या चीजें लगने वाली है। भाई लोग तुम अपना काम करते रहना, ठीक है, तुम दिल बनाते रहना। तो पहली है मकड़ी वाली बॉस फाइट, जो कि है कुछ ये साइड। मैं 1.5 साल से आर्क खेल रहा हूँ और अभी भी मेरे को ये मकड़ी का नाम नहीं लेना है। मैं अभी भी इसको मकड़ी बोल रहा हूँ, ड्रैगन को तो चलो ड्रैगन ही बोलेंगे, और वो बंदर को भी मैं मतलब उसका दूसरा नाम है, बट मेगा पिचकस मेगा तिपिचकस ऐसा कुछ तो बंदर का नाम है। ये मकड़ी का नाम ना रुक जा, ब्रेड मदा यस ब्रेड मदा, मकड़ी बोलते हैं, ज्यादा समझने के लिए ना इजी होता ना। चलो तो रुक जाओ भाई साहब तुम यहाँ पर, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि अपने को चीजें क्या क्या लगने वाली है। तो अल्फा फाइट के लिए अपने, वैसे हमने आर्टिफैक्ट यहाँ पर 3-3 लाकर रख दिए थे। अभी अपने को आरजे के टेलो चाहिए सिर्फ और सिर्फ 10, सार्को की स्किन चाहिए 10, वर्टिब्रा टाइटनोबा वेनम, यार ये मतलब ये तो इतना सा सामान है, मैं अभी कुछ देर के अंदर ही, बट हाँ टाइटनोबा वेनम तो मिल जाएगा अपने को, बाकी सामान तो मैं अभी कुछ देर के अंदर ही कलेक्ट कर लूँ। जो न्यू वाले मैप में मैंने
अल्फा वाली बॉस फाइट किया था उसका सामान कलेक्ट करने में ना मेरी बैंड बच गई थी, और अभी तो मैं ये वाली बॉस फाइट कर ही सकता हूँ। खैर एक काम करता हूँ, मैं ना इसकी फोटो खींच लेता हूँ ताकि मैं सामान भूलू ना। जाते पहले आरजे के टेनो लेके आते, ठीक है? आरजे के टेनो लाने के लिए मेरे को यार मैंने थायला कोलियो को अपने बैग में लेके आना चाहिए था ताकि मैं यहीं से निकल जाता। खैर अभी मैं फ्लाइंग डायनो भी रख लूंगा अपने साथ में और अपने थायला कोलियो को भी रख लूंगा ताकि हम ना सबकी बैंड बजाए वहां पर। पहाड़ पे जाएंगे और जितने आरजे मिलेंगे सबकी बैंड बजा देंगे। ओ मेरे थायला कोलियो, तेरा वैसे लेवल अप हुआ है, वैसे 233 लेवल का है ना तू, 16 लेवल अप हो गया भाई। तेरी मैं 50,000 तो हेल्थ करूंगा पहले, उसके बाद में तेरा एक स्टेमिना बढ़ा देता हूँ। चलो 5,200 कर लेते हैं। 4 में से 13 मैं, मतलब 8 में से 5 में इसका मील डैमेज बढ़ा देता हूँ। 3 कर दूंगा मैं इसकी मूवमेंट स्पीड, क्योंकि ये दौड़ने कूदने वाला डायनो है। और इसके पास में टाइम मेगलान या टॉक्सी नहीं है, तो सारा सामान तू दे दे, तेरी इन्वेंट्री खाली कर दे। और 2 मिनट रुकना, मैं बस अभी आया। मेगलान या टॉक्सिन को हम रखेंगे कुछ अदर साइड में, क्योंकि ये भी बॉस फाइट के लिए काम में आएगा। बाकी तो सब नॉर्मल वाला सामान है। चलो बाकी का तो सामान रख दिया और कुछ नहीं, बस इसकी इन्वेंट्री में ना मैं थोड़ा सा खाना रख देता हूँ ताकि ये खाता रहे और अपने आप को मजबूत बनाता रहे, सीन नहीं रहेगा फिर कुछ भी। और मेरे प्यारे मुन्ना आ जा तू जेब में, सीधा जाएंगे वो बड़ी वाली पहाड़ी पर और सबकी ना सीधा बैंड बजाएंगे। वैसे ये इन्वेंट्री में आ गया ना, इसको मैं इधर साइड में ले लेता हूँ खाना। वैसे मेरे को पानी की प्यास लग रही है, जाते जाते बस थोड़ा सा पानी पी लेंगे। ये मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है, ये जो जेली फिश है ना, ये मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। ओ भाई नीचे साइड से ऑयल आ रहा है, क्या वो दूर है? नहीं नहीं नहीं, उतना स्टेमिना नहीं है। जब स्विमिंग वाला सूट मैं बना लूंगा ना, उसके बाद में हम जाएंगे। पी लो भाई साहब पानी खूब पी लो। ये दोनों अलर्ट हो गए, देखे इतनी दूर रहने के बावजूद अलर्ट हो गया। खाना और पानी दोनों भी चीजें फुल। चलो टाइटनो बोआ वेनम तो अपने को बहुत इजी मिल जाएगा, ये रेडवुड फॉरेस्ट में हम घुसेंगे वहां तो भर भर के मिल जाएगा अपने को। चलो तो आ गए हम पहाड़ी के पास में, यहाँ पर टॉप पे जाऊंगा। सबसे पहले थायला कोलियो को बाहर निकालूंगा, उसके बाद में मैं इसको अंदर रखूंगा भाई, वरना पता चले दोनों को अंदर रख ले और कोई ना कोई अटैक कर दे तो हो गया अपना काम। दूर से दिख जाते हैं आरजे, बट हाँ चलो एक तो दिखा कम से कम। मेरी प्यारी सी चिड़िया तू इधर आ जा, थायला कोलियो भाई साहब तुम बाहर आ जाओ, ठीक है? तू मेरे जेब में आ जा, तेरी इन्वेंट्री में कुछ सामान है? नहीं कुछ भी सामान नहीं है। इसके ऊपर बैठ जाओ और इसको ना एक्सपी पोशन खिला देता हूँ ताकि इसका लेवल अप भी होता रहे, ये मजबूत भी होता रहे और हमारा भी काम होता रहे। कहाँ गया वो? हेलू हेलू, नीचे साइड में तो दिख रहा था ना अभी। अरे नहीं भाई डैमेज पड़ता है, मीट खाने वाले डायनोज ऊपर से नीचे गिरते हैं ना तो उनको डैमेज पड़ता है। ये बैठा हुआ है ना, ए इधर आना भाई साहब, इधर आना। कुछ मिला है ना? इसके इन्वेंट्री में जाकर वो लेना पड़ेगा अपने को। भाई मैं डायरेक्ट उतर गया पहाड़ी से, देख के उतरना पड़ेगा अपने को, बैंड बज जाएगी अपनी जैसे अभी जंप लगाने पर बजी। रुक जाओ इसकी कर देंगे हम 72,000 हेल्थ, बाकी कर देंगे डैमेज, ठीक है? मजबूत है अपना बंदा। वैसे ये एक नोट है ना जो अपने को मिली है, या फिर क्या हुआ अभी? एक्सप्लोर नोट ही तो है, रहने दो छोड़ो। मैं वो अपने हाथों पर कंट्रोल रखना पड़ेगा, मैं डायरेक्ट बार बार ना जंप लगा ले रहा हूँ कहीं से भी। यार यही तो थे, अभी कहाँ चले गए? इधर एक और एक्सप्लोर नोट अपने को मिल जाएगा गाइस, जिससे अपना लेवल नहीं थायला कोलियो का लेवल अप होगा भाई। 5 लेवल अप हो गया इसका सीधा। 171 मूवमेंट स्पीड, बाकी 4 मिल डैमेज, फुल मिल डैमेज भाई। जहाँ एक्सप्लोर नोट मिलने के बाद ना एक लेवल अप होता है, तो एक्सपोशन खिलाने के बाद अपना दो दो लेवल अप हो रहा है। 10 चाहिए अपने को टेलो, जिसमें से 2 तो मिल गए, बाकी के अपने को ढूंढने पड़ेंगे। और नीचे साइड में आरजे तो नहीं है, बट दूसरा वाला है वो मिल जाएगा अपने को। यार ये ऊपर की पहाड़ी के पास में घूमते सारे के सारे। ओ रेक्स मिला अपने को एक। नहीं आना भाई, मत आ नजदीक, मजाक मत कर। ए लूट क्रेड स्लिंग शॉट एलोसॉर का था ना ये, एलोसॉर का ब्रेन भी मिल गया। अरे वाह आज किस्मत बड़ी अच्छी, बाकी पिकेक्स वगैरह वो नहीं उठा रहा मैं, एलोसॉर का ब्रेन मिल गया, बात खत्म। और एलोसॉर भी मिल गया, एलोसॉर को भी कूट दूंगा दूसरी बॉस फाइट के लिए। अपने को एलोसॉर लगते उनके अटैक करने से पहले ही मैंने मार दिया उनको। रुक जाओ इसके अंदर तो अपने को एलोसॉर का एक और ब्रेन मिल जाएगा। एक बॉस फाइट करने आए थे, मतलब उसका सामान लेने आए थे, दूसरे उसका सामान मिल गया। इसके अंदर है ब्रेन, हाँ चलो ब्रेन दे दो, ब्रेन दे दो, सारे बॉस फाइट का सामान ले लूंगा मैं। कहा है मेरे प्यारे थायला कोलियो? चीजें मेरे को अब याद हो गई है कौन सी बॉस फाइट के लिए क्या अपने को चीजें लगेगी। कार्नो का आम भी लगता है। कार्नो कम हियर, ए कार्नो, कार्नो नहीं मार सकता। ओ चलो निकलो, चलो चलो
गुस्सा नहीं बताने का मेरे को ज्यादा, समझा ना, गुस्सा नहीं बताने का टबे, वरना कूट दूंगा बट पकड़ के, बता रहा हूँ सच में, मजाक नहीं कर रहा। एलोसोर का आम मिला है अपने को? नहीं मिला है। एलोसोर का आम यहीं पर होना चाहिए ना यार। ये रेक्स 60 लेवल का है, उतना ज्यादा मजबूत है नहीं। सामने है ताइला कोहली, वो सॉरी आरजे, ले लेता हूँ फटाक से आरजे और कूट देंगे आरजे को पकड़ के। मेरे प्यारे आरजे, चलो निकलो। अरे गलती से उसको धक्का लगा, उसका भी काम हो गया, तू भी आ जा। इसके अंदर क्या है, बैग के अंदर से नहीं, अपने को मिला क्या नहीं सामान? दो ही पंजे मिले भाई, मरने के बाद इसका बैग कहाँ जा रहा है? बैग के अंदर अपने को सामान मिलना चाहिए। चलो कोई ना, टीरेक्स को घूमने दो वहाँ पर, तब तक हम आरजे को ढूंढते हैं। दोबारी से एक काम करता हूँ, मैं पहाड़ी पर चढ़ जाता हूँ और दूसरे साइड उतरता हूँ। अब एक तो इतना ज्यादा फॉग आ गया ना कि कुछ ज्यादा दिख नहीं रहा। ओ भाई साहब, यहाँ से पहाड़ी से उतरने तो मेरी फट रही है। ताइला कोहली आराम से उतरना, सीधा जंप लगा रहा है भाई ये बंदा तो। रुक जाओ, 1,00,000 तेरी हेल्थ पहुँचा ही देता हूँ भाई, 1,00,000 तेरी हेल्थ पहुँचा ही देता हूँ। 99,000 हो गई। 2 मूवमेंट स्पीड, 3 मिली डैमेज। एलोसोर का ब्रेन आ गया और ये कुछ एक्स्ट्रा वेपन्स है जो अपने काम में नहीं आने वाले। आरजे का अपने को टेलो भी मिल गया। आवाज सुन रहे हो तुम? टै 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 पै पै पै, आवाज तो आ रही है बट आरजे कहाँ है? ये चिल्लाने की आवाज जो है ये आरजे की है, कहीं हम नीचे आए और वो ऊपर तो नहीं चला गया? भाई साहब नीचे रैप्टर भी है, सामने एलोसोर भी है। नहीं, हाँ एलोसोर ही है, वो भी 80 लेवल का। अबे पीछे से तू कहाँ से आ रहा था? है तेरे को मारने के बाद कुछ तो मिलता है ना, या फिर नहीं? ठंड लग रही है अपने को बहुत तेज। जो ऐसे साइड साइड से ना चलते हैं हम, कहीं ना कहीं अपने को कोई ना कोई पहाड़ी के पास ना आरजे मिल ही जाएगा। और यस, यहाँ पर दो दो तीन तीन भाई, दो दो तीन तीन मिल गए। आओ 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 आओ, फटाक से इधर आओ, फटाक से इधर आओ। चलो निकलो, चलो निकलो। इधर बैग है इसका, ठीक है, ये बैग के अंदर इसका टेलो है, तो उससे पहले मेरे को निपटाना पड़ेगा। हटो 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 हटो, हाँ आ जाओ आ जाओ, पूरे के पूरे आ जाओ लड़ने के लिए, पूरे के पूरे आ जाओ लड़ने के लिए, तू भी आ जाओ लड़ने के लिए, ठीक है। ओ भाई 600 लेवल, चल निकल, 600 लेवल है तो क्या हुआ। मेरी पहले पड़ गई थी भाई यार। टेलो के लिए बैग मिलता है बट बैग मिल क्यों नहीं रहा? 6 हो गए, चलो कम से कम 6 तो हुए। और ये ना जिसको अभी मैंने मारा हो गया, निकलो रैप्टर, रैप्टर है तू, हाँ चल निकल। मैं ना यहीं पर कहीं तो उसे मारा हूँ। और हाँ चलो ये साइड में ना, मैं इधर साइड से, भाई मैं चढ़ूँ कैसा अब इधर? जो पहले इधर जाएंगे, इधर से थोड़ा सा भी इधर चला गया यार, बहुत गलत जगह पे गया, बहुत गलत जगह पर गया। वहां से टेलो कैसे लूं मैं? एक काम करता हूँ, इसके ऊपर ऐसे खड़े हो जाता हूँ, खड़े हो सकता हूँ मैं ताइला कोहली ऊपर ना, वो स्लाइडिंग पे ऐसे फंसा हुआ है, इसको मैं सोल बॉल से ले सकता हूँ। यस भाई, सोल बॉल से उठा सकता हूँ ना मैं सामान, फिर क्यों परेशान हूँ? बैठे बैठे कहीं से भी सामान उठा लूंगा मैं। अब 100 लेवल का ब्रोंटो, उसके तो नजदीक भी नहीं जाऊंगा मैं। तो अपने पास में अभी पूरे के पूरे 10 आरजे के टेलो हो चुके हैं, क्योंकि 4 मेरी इन्वेंटरी में पड़े। एक काम करता हूँ, ये ब्रेन भी ले लेता हूँ। 3-3 एलोसोर के ब्रेन हो चुके हैं, और क्या काम में आएगा अपने, जो बॉस फाइट में यूज होगा। काइटिन भी अपने पास में रख लेता हूँ। बाकी ये जितना भी सामान है, मीट, हाँ मीट और हाइड ले लेंगे ना भाई, ये अपने काम का सामान है। बाकी ये जितना भी सामान है पूरा का पूरा एक बार क्रॉस चेक करता हूँ, और ये सारा का सारा सामान ना मैं फेंक देता हूँ भाई, ये मेरे कुछ भी काम में नहीं आने वाला। इसकी इन्वेंटरी खाली रखूंगा बिल्कुल, टेंशन ही नहीं। अपने ताइला कोहली की स्पीड देख रहे हो, कितनी ज्यादा तेज भाग रहा है ये। मेरे को ऐसा लग रहा है ना अपना, यहाँ से अब काम हो गया, अपने को चाहिए अब रेडवुड फॉरेस्ट। क्या चाल रैप्टर भाई, अरे रे 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 रे, इसकी स्पीड है, रैप्टर की स्पीड है भाई। जाओ ये मार रहा है अपने को। सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज, अरे रे रे रे, अल्फा है अल्फा है अल्फा है अल्फा है अल्फा है अल्फा है, तो क्या हुआ बे? चल निकल, आधी कर दिया हेल्थ ये। अब निकालता हूँ मैं अपना टेरानोडॉन को बाहर और रखता हूँ इसको जेब में, ठीक है। बाकी इसके अंदर तो हाइड और वो मीट है, वो अपने काम करें। चलो चलते हैं फटाक से रेडवुड फॉरेस्ट, और जाके टाइटनोबा वेनम और दूसरा जो भी सामान अपने को लगेगा ना, वो सारा का सारा उठा लेंगे। थोड़ा आउटसाइड ही रुकेंगे रेडवुड फॉरेस्ट के, वैसे यहाँ पर तो नहीं, अपने घर के साइड से जो एंट्री है रेडवुड फॉरेस्ट की, वहीं पर अपने को ज़्यादा सामान मिलेगा, मतलब वहाँ पर ज़्यादा सांप मिलेंगे अपने को। और जो रेडवुड फॉरेस्ट की जितनी भी बॉर्डर है, वो सारी की सारी बॉर्डर पे ना अपने को मिलेगा सामान। बार बार सामान क्यों बोल रहा हूँ, सांप मिलेगा सांप वहाँ पर टाइटनोबोआ। और ये रहा रेडवुड फॉरेस्ट भाई साहब। एक काम करता हूँ, थोड़ा सा दूर कहीं पर ना सेफ साइड, रेडवुड फॉरेस्ट कब से सेव होने लगा है
कहीं दूसरी साइड ही जाता हूँ, वहां से ताइला कोलियो पर बैठ कर आऊंगा। रेडवुड कब से सेफ होने लगा? मेरे को सिर्फ यहाँ पर ताइला कोलियो का डर है बस। वो सीधा आंग पर जंप लगाता है और सामने वाले बंदे का कांड हो जाता भाई। और एक टाइटनो बोआ तो यहीं पर मिल गया 80 लेवल का, रुक जाओ उसको मैं एक काम करता हूँ कुछ यहाँ पर बिठा लेता हूँ। पहले निकालूंगा सोल बॉल, और सोल बॉल को मैं काम करता हूँ। तुम आ जाओ जेब में, तुम भी आ जाओ जेब में, बैठ जाओ इसके ऊपर। अब कौन क्या उखाड़ेगा अपना, उधर साइड में उतरेंगे, इधर से तो मैं मर ही जाऊंगा, एक ही झटके में मर जाऊंगा मैं। इधर साइड से ऐसे चलते और जाकर सीधा टूट पड़ेंगे टाइटनो बोआ पर। आ गया टाइटनो बोआ, अभी तो ऊपर से दिख रहा था, यहाँ पर सो रहा है क्या कहीं। और अब भी अगर मैं पैदल घूमू ना इस मैप में तो मेरे को रास्ता याद नहीं होता, मतलब हवा से मेरे को रास्ते सारे के सारे पता है, हवा से इजी पड़ता है ना, बट ये जो जमीन पर घूमकर जाना पड़ता है ना भाई, वो थोड़ा सा तकलीफ देता है। इधर साइड में जस्ट मेरे को अभी एक सांप दिखा, तो ऐसे घूमता हूँ मैं। कहाँ पर पिराना, मत नजदीक नहीं आना, पिराना नजदीक नहीं आना, मैं बता रहा हूँ यार। अभी तो दिखा मेरे को सामने टाइटनो बॉव है ना, वैसे टाइटनो बॉव है सार्को है, ये सार्को क्या काम का, मैं सार्को को टाइटनो समझ के आ गया। कोई मेरा पीछा कर रहा है ऐसा मेरे को फील आ रहा है, कोई मेरा पीछा कर रहा है भाई। हाँ है टाइटनो बॉव वेनम, वैसे टाइटनो बॉव इतने सारे मगरमच्छ है इधर जंप लगाने वाले, बस वो जो स्टन करने वाली चिड़िया है ना उससे दूर रहना, वो स्टन करती है और हम सीधा नीचे गिर जाते हैं, उसके बाद हमारा कोई कुछ। आ हा हा मिल गया भाई, आजा आजा जेब में, आजा जेब में, आजा जेब में, आजा तेरे पास वेनम निकला। अरे बगैर जहर का सांप ऐसे कैसे हो सकता है, नहीं नहीं भाई इसके अंदर से तो कुछ निकला ही नहीं। और ये सार्को की कितनी लेवल है, आ रहा है आ रहा है आ रहा है, भाग जाओ भाग जाओ, ये लपेट लेंगे अपने को, इजीली लपेट लेंगे भाई। चलो एक काम, आहा मिल गया एक बार, चलो निकलो तुम भी निकलो, तुम्हारे स्टन करने से पहले मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। एक बार क्रॉस चेक करता हूँ, ओ भाई अरे 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 व्हाट, अरे तीन तीन लग गए मेरे पीछे ना, निकलो निकलो निकलो, मैं बहस नहीं करने वाला तुमसे। और अबे चीता है क्या इतनी स्पीड से भाग के आ रहा है, भाग मैं भी जंप लगा लगा कर ना कहीं पर भी निकल जाऊंगा। आई वॉन्ट टाइटनो बोआ, नॉट टाइटनो बोआ, टाइटनो बोआ वेनम। यार ये कार्नो को मारने के बाद उसका आम मिलना चाहिए बट मिला नहीं। यस ये रही वो स्टन करने वाली चिड़िया। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई, ये स्टन करने वाली चिड़िया है। पीछे आ रही है क्या, नहीं आ रही ना, पीछे लग गए थे वो, मेरा काम ही हो जाता अभी। भाई तू पहले न्यूट्रल हो जा, तू पहले न्यूट्रल हो जा, मेरे को अगर कुछ हो तो मेरी जान बचा लेना बस, ठीक है। और ये मेगा थीरियम 160 लेवल का, वेरी नाइस। ये है 100 लेवल का। मैं थोड़ा सा अभी ये कंफ्यूज हूँ कि मेरे को वेनम क्यों नहीं मिल रहा, या फिर मिल गया इन्वेंटरी में पड़ा है और मुझे दिखाई नहीं दे रहा, ऐसा भी तो हो सकता है ना। नहीं है, क्रॉस चेक कर लिया मैंने, शायद वो सांप के अंदर ना जहर नहीं होगा। अंदर जंगल में कहीं, ये तो कार्नो है 400 लेवल का, चुपचाप से निकल जाओ भाई, अपने लेवल का ही है वो, हम जो लेवल के वही लेवल का है वो भी। और ये क्या है ट्रोडॉन, ये भी बहुत गंदा भाई, ये भी बहुत गंदा है, बहुत ज़्यादा ही गंदा है। पॉम्पी लोग हट जाओ, मुझे टाइटनो बोआ दो। टाइट कौन उड़ रहा है, ओह क्विट्जल 220 लेवल की क्विट्जल। ये चीज़ होती है रेडवुड फॉरेस्ट में, जब आओ तो इतने खतरनाक खतरनाक डायनोज मिलते हैं भाई, क्या बताऊँ। ये भालू कितने लेवल का है, 320 लेवल का भालू भाई। बस मेरे पर ताइला कोलियो ना टूट जाए। अरे आओ आम दे दो, आम दे दो, इधर आओ आम दे दो, तुम्हारा इतने सारे इधर टेरानोडॉन है। एक तो मैं इसको भी टेम करके अगर अपने सोल टर्मिनल में डाल दू या शिप को डाल दू ना, तो अपने को बहुत सारा ना भाई वूल मिलता रहेगा। फिर इधर साइड में तो एलोसॉर है, अब आ गए ना तो एलोसॉर को भी मैं तोड़ रहा हूँ भाई, एलोसॉर को भी मैं तोड़ रहा हूँ, क्योंकि अपने को उसका। चलो निकलो यार, चलो निकलो, तुम अभी कहा तुम लोग से मैं लड़ाई करूं है, तुम मजबूत हो तने, मेरे जितने ताकतवर हो नहीं हो, क्या ही लड़ाई करूंगा मैं तुमसे। लाओ दे दो, और तीन ब्रेन मिल गए, काइटिन मिल गया और बहुत सारा चीटिन भी मिल गया, चीटिन काइटिन फिटिन जो भी हो, हाइड मिल गया। और ये दोबारा से आहा खाना रखूंगा और ये पूरा फालतू का सामान सेल कर दूंगा, सेल बोल रहा हूँ, फेंक दूंगा। कोई मेरे को टाइटनो बोआ की लोकेशन बता दो यार, आरजे यहीं पर अपने को रेडवुड फॉरेस्ट में मिल जाते, उतनी दूर जाने की जरूरत ही नहीं थी। एलोसॉर कुछ ज्यादा नहीं है यहाँ पर, नहीं ये रैक्स है भाई, वो भी एक नहीं दो दो रैक्स है। छोड़ो इनको छोड़ो, क्विट्जल जा रहा है वहां से, हिम्मत देख रहे हो, पहले रैक्स को देख कर हम भाग जाते थे भाई। हाँ चल चल निकल, चल चल निकल, इसके अंदर क्या है, नार्को बेरी वगैरह वो
अरे भाई मजाक मजाक में ना दे देंगे ना, हो गया काम अपना, चुपचाप से भाग जाओ यहाँ से। बट पहले मैं रेक्स को देख के दूर से भाग जाता था क्योंकि मेरे को पता नहीं था वो क्या करेगा अपने साथ, मार देगा इतना पता था बट उसकी स्पीड कितनी है, पावर कितना, ये सब का अंदाज़ा नहीं था। अब मेरे को सारी चीज़ें ना पता लग गई है। थैंक यू सो मच तुम लोगों का मेरे को कमेंट कर करके पूरी गेम सिखाने के लिए। अब भी पूरी नहीं सीखा हूँ, बहुत सारी चीज़ बची है बट इस मैप की तो मैक्स टू मैक्स चीज़ें सीख चुका हूँ। जब टाइटनो बुआ की ज़रूरत नहीं होती तो मुँह के सामने घूमता रहता है, अब उसकी नीड है तो मिल नहीं रहा। ओहो एक और मटकी मिली है अपने को, एक और नोट मिल गई। इसमें क्या बता रहा है वैसे, किसी चीज का नोट है बाद में पढ़ेंगे। पानी के पास में चलते हैं, पानी के पास तो अपने को मिलेगा ही मिलेगा। क्या यहाँ पर कोई है? अरे टेरल बट हटना यार, मैं तेरे को क्या ही मारू भाई। तो मेरी हेल्थ कौन कम कर दिया इतनी, बहुत ज्यादा कम हो गई। रुक जाओ ये बढ़ाता हूँ और 5 मिनट डैमेज बढ़ाता हूँ, ठीक है। स्टैमिना तो है अपना। ओ एक स्पाइनो भी मिल गया, क्या मैं स्पाइनो को भी मार दूँ? स्पाइनो का सेल लगता है अपने को। यार पूरा सामान मिल जा रहा है, बहुत आसानी से मिल रहा है, इतनी ज्यादा ना मेरे को मेहनत करने की जरूरत नहीं। बच गया स्पाइनो, ओ मेरे स्पाइनो, ओ मेरे स्पाइनो, निकल लो यहाँ से। है स्पाइनो भाई साहब, निकल लो तुम। स्पाइनो सेल कहा है तुम्हारा, इधर दे दो ये ऑर्गेनिक पॉल्यूमर, ये भी दे दो। मस्त फायदा हो रहा अपना आज। अभी मुझे पता है हम कहाँ पर आ गए, हम इस साइड आ गए उस साइड से। रुक जाओ तो एक काम करते हैं, हम यहाँ से ना बॉर्डर पकड़ कर उधर साइड में चलते हैं, क्योंकि मेरे को पता है इसके ऊपर ना वाइपर 2 ड्रैगन था जिसको मैंने यहाँ से तीर मारकर ऑलमोस्ट स्टन कर दिया था, मतलब अपने पास बुलाया था और ट्रैप के अंदर उसको बंद करके, वैसे ट्रैप के अंदर हम ही बंद हो गए थे और हम उसको टेम कर रहे थे भाई। ये वाला पहाड़ वो है और ठीक है इसके आगे अपना ओल्ड वाला बेस था, उसके बाद में मैंने अपने बेस को मूव करके थोड़ा सा आगे कर दिया था। सारी चीज़ें पता है मेरे को, सारी चीज़ें याद है, इतना मैंने 1 साल लगा दिया वो मैप को खेलते खेलते। क्या यहाँ पर कोई मिलेगा? अरे मिल जा भाई। कितने सारे रेक्सेस मिल रहे हैं यहाँ पर, 140 लेवल का एक रेक्स है। उधर पीछे मैंने 3-4 रेक्स अभी देखा हूँ, 3-4 नहीं ज्यादा। इधर साइड में ओ इधर कितने सारे हेलो सारे, रुक जाओ भाग जाओ चुपचाप से, बाजू से निकल लो। किसी से भी बहस नहीं करनी है अभी, किसी से भी बहस नहीं करनी, अपने को सिर्फ चाहिए वेनम, और वेनम अपने को आगे मिलेगा ही मिलेगा। ओ भाई दो दो उटर है यहाँ पर, उटर की लोकेशन याद रखनी है। ये उटर भी बहुत सही होते हैं आर्टिफैक्ट के टाइम, तो बहुत सही होते भाई। ये क्यों भाग रहे वैसे? कार्नो लगा है इनके पीछे, कार्नो का ब्लीडिंग अटैक है, वैसे हमारा भी ब्लीडिंग अटैक है ताइला गोलियों का। अरे कितना झुंड है यहाँ पर, है कितने सारे डायनोस है, इतने सारे। वैसे ये सामने ना हमारा घर हुआ करता था और घर के साथ में ना सामने अपने को मिल गया। रुक जाओ स्पाइनो को मैं सीधा मार रहा हूँ, कुछ टेम वेम नहीं करना, अपने काम में आएगा नहीं है, ऑलरेडी हमने इसको टेम करके एक्सपीरियंस ले लिया इसका। अभी अपने को करनी है बस बॉस फाइटें, समझे, बॉस फाइटें निपटानी। पूरे हटो बे, पूरे हटो। हाँ क्या है, निकल तू। अरे भाई भाई, अरे भाई 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 भाई, हाँ आ जा, चल निकल चल निकल, दिमाग नहीं खराब करने का, समझा, दिमाग नहीं खराब करने का मेरा। एक और सेल मिल गया और अगेन फालतू का सामान, पूरा सामान भाग जा, कुछ नहीं चाहिए मेरे को, और खाना भी है मेरे पास अच्छा खासा, वरना ये सेल ढूंढने के लिए ना भाई इतना टाइम लग जाता है और ये स्पाइनो मिलते नहीं है, इसीलिए मेरे को जो जो चीज़ें लग रही है, जो जो मिल रही है, मैं सारी चीज़ें ले रहा हूँ। एक्सीपोशन खिला खिला के अपना ये भी होगा। अरे भाई ये मेरे को स्टन कर देता अभी, एक्सप्लोशन खिलाया मैंने एक बार और कितना ज़्यादा अपना ताइला कोलिया, मतलब अभी लेवल देखोगे तो 281 लेवल पर आ गया भाई, 281। अरे स्टेमिना बढ़ा दे, चलो कोई सीन नहीं। और ये इतनी धुंध है ना भाई, धुंध से पहले मेरे को ऐसा लग रहा है मेरे को घर पहुंच जाना चाहिए। ओ काइटिन, काइटिन दे दो भाई, काइटिन दे दो। तुमको अगर हाथ से मारता तो वो ज़्यादा सही था, ज़्यादा काइटिन मिलता मेरे को। चलो कोई सीन नहीं यार, ये धुंध से पहले ना मैं अपने घर चला जाऊँ वो ज़्यादा सही है, वरना मैं फंस जाऊँगा ना इधर अंधेरे में, समझ नहीं आएगा इतना। चल जाओ अभी से उजाला करके भागते, चलो कम से कम 2 टाइटनों 3 मिले। सामान दो यार, तुम लोग सामान नहीं दे रहे, तुम लोग मेरे को वेनम दो, वेनम दे ही नहीं रहे भाई ये लोग, पता नहीं क्यों। मेरे को ऐसा लग रहा है ना गन वगैरह से ही मारना पड़ेगा, इससे तो होगा नहीं। वो असेंडेंट लेवल की पिकैक्स, वेरी नाइस यार। एक काम करता हूँ, मेरे को घर का रास्ता तो वैसे पता है, तो एक काम करेंगे, रुक जाओ। ओ इधर और टाइटन हुआ है,
सामान दे दो सारा का सारा। यहाँ से ना सीधा निकलते हैं हम अपने घर, टेंशन नहीं लेते। चिड़िया के ऊपर बैठने के लिए ना अपनी जो टेरानोडॉन है उसके ऊपर बैठकर जाने के लिए ना थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। हटो 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 हटो, हाँ तुम भी हटो, दिमाग नहीं खराब करने का अपना। बैग देख रहा हूँ मैं, इसका बैग मेरे को दिख नहीं रहा, बैग नहीं दिख रहा मेरे को इसका, बैग कहाँ पर है जहाँ से हम वो ले सके, ले नहीं रहा भाई साहब। चलो कोई सीन नहीं है, चलते हैं हम अपने घर। ये वाली पहाड़ी के पीछे रहते हैं हम। तो कौन बैठा है? कोई तो बैठा था अभी। सीधा जंप लगाएंगे और पीछे साइड निकलते जाएंगे भाई। ओहो, एक्सप्लोर नोट इधर साइड का अभी तक मैंने लिया नहीं हूँ। फर्स्ट टाइम मैं पूरी सीरीज में मतलब यहाँ का एक्सप्लोर नोट लेने वाला हूँ ऐसा लग रहा है मेरे को। अभी तक मैंने इसको, ये वाली लोकेशन को मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। एक्सप्लोर नोट मिलेगा क्या यहाँ पर? दिखाई तो नहीं दे रहा यहाँ पर कहीं पर भी। अच्छा इधर साइड में होगा ना, या फिर नहीं, ना इधर कुछ नहीं है। छोड़ो वैनम भाई साहब, इधर आओ। कुछ है कुछ है कुछ है ना, ये पता नहीं क्या होगा। उधर तो आ गए अपन, अभी अपने को ये वाली पहाड़ी चढ़ना है ना। हाँ हाँ ये बराबर, ये वाली पहाड़ी चढ़ना है। आगे अगर जाएंगे आगे से अपने को एक लेफ्ट रास्ता मिलेगा और ये लेफ्ट रास्ते से अपने को ऊपर साइड में चढ़ना है। यस, तो हम अपने घर के बैक फ्रंट साइड से आ जाएंगे, मतलब लेफ्ट साइड में। और बिल्कुल मेरा गजमेंट जो था वो बिल्कुल सही था, क्योंकि पानी के उस पार अपना घर है। मेरे को सारे रास्ते याद हो गए, सारे रास्ते सारे पहाड़ी घूमा ही इधर। मैं अभी तुमको क्या ही बताऊँ, इतना घूमा हूँ। सिलिका दे दो भाई साहब, तुम सिलिका दे दो मेरे को। सिलिका चाहिए और कुछ नहीं चाहिए तुमसे यार। सब करना था मेरी डॉल्फिन और मेगलोडॉन को नहीं मारना था भाई, वो मेरे बहुत ज़्यादा काम के डायनोस थे, कि अंडर वाटर में उन्हीं के भरोसे एक्सप्लोर कर रहा था। चलो कोई सीन नहीं है, फिर भी दे दो अब तुम पूरा इम्पोर्टेंट सामान जो जो काम का है। खाना तेरी इन्वेंटरी में रहने दे, मैं जाता हूँ इधर साइड में। वैसे सोल टर्मिनल में चेक करता हूँ कितने बच्चे हुए। 1 2 3 4 5 5 आ गए यहाँ पर। अब इसको मैं काम करता हूँ, जो भी सामान है अपने पास, जैसा स्पाइनो सेल हो गया, एलोसोर का ब्रेन, ये अल्फा रेप्टर के क्लॉ, सारा सामान यहाँ पर रख दूंगा, जितना भी इम्पोर्टेंट सामान है। और जो काइटिन वगैरह वो है वो सब इधर आएगा। ऑयल, सिलिका पल, ब्लैक पल, पॉल्यूमर, इसकी जगह और इसका सेक्शन मैंने एक सेपरेट बना दिया हूँ। तो अभी चेक करते है कि कौन सा सामान लेना है अपने को। और आरजे के 10 टेलो आ गए। सार्को की स्किन चाहिए और सार्को को देख कर मैंने मिस किया हुआ। ये 2 सार्को मिले थे, वर्टिब्रा ब्रोंटो को मारकर ले सकते थे, वो भी नहीं लिया क्योंकि मेरे दिमाग में नहीं आया भाई। स्पाइनो और ये दूसरे ही मिलते जा रहे थे, बट उसका इतना ज्यादा सीन नहीं है क्योंकि ब्रोंटो बहुत सारे थे, वर्टिब्रा अपने को इजीली मिल जाएगा। बस बचा है टाइटोनोबा और वेनम। तो शॉटगन से टाइटोनोबा को मार करना, मैं वेनम लेने का ट्राई करता हूँ। खैर अभी ना इंतजार करते थोड़ी सी आर्मी बनने तक। और आज है डे 10, सभी का भी अपने को लेवल अप भी करना है। मैंने हर किसी का लेवल अप नहीं किया हूँ। ये तीनों के दिल मिल रहे, इसका क्यों नहीं दिल मिल रहा? इनेबल टैटन है तो शायद से इसका भी दिल मिलना स्टार्ट हो जाएगा, या फिर मैं ऑप्शन में जाता हूँ, न्यू बॉर्न मेटिंग ऑन। अब चारों का दिल मिलेगा आई गेस। नहीं, ये 3 का पहले काम होगा फिर इसका होगा। डे 10 भी भाई एंड हो गया। खैर अब जाते हैं, फिलहाल के लिए थोड़ा सा आराम करते हैं और आज के एपिसोड को बस इतने ही रखते हैं। थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। नए आए हो चैनल पर, एंजॉय किया तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि चैनल पर मैं ऐसे ही बड़ी बड़ी गेम प्ले आता रहता हूँ। और अभी तो नई नई सीरीज और आना बाकी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। 3.5 लाख सब्सक्राइबर्स होने वाले, और अपडेट्स के लिए भाई इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करना। मिलता हूँ आप सभी से अगले एपिसोड में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू। और हाँ, सारी चीज़ों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो चेक जरूर करना। बाय बाय।